एहसास आप सबको हो चुका है और पूरे देश को हो चुका है। और इसका जो अगला स्टेप, देखो पहले तो किरण बेदी जी आई थी आपके साथ, किरण बेदी जी ने कुछ बोला तो उसका अगला नतीजा निकला कि स्टेडियम के अंदर दो तीन सरकारी मंत्री, वाणिज्य मंत्री और स्मृति ईरानी जी, वो आपके बीच में पहुंचे। तो संदेश जो है वो साफ साफ मोदी जी तक जा चुका है, इसको यूं समझिए। और आने वाले टाइम में अगर भविष्य देखना हो तो मेरे ख्याल से अब ऐसा कुछ होने वाला है कि देश के सबसे बड़े स्टेडियम में मोदी जी के साथ आप सबकी मुलाकात होने वाली है। ये 6 महीने में हो, ये 1 साल में हो, ये 1.5 साल में हो, और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भारत में है और वो गुजरात में है, ये आप सबको मालूम हो, है ना, अहमदाबाद के पास में। तो ये रास्ता जो है वहां पर पहुंचता है। अब ये कितना टाइम इसमें लगेगा, लेकिन मैसेज जा चुका है बिल्कुल क्लियर। वापस एक बार सभी मेरी सभी बहनों को मेरा नमस्कार। 1 PM JRCM, ज्यादा बात तो मैं नहीं करूंगा, एक छोटा सा वीडियो मैं आज आपको दिखाऊंगा। हम बातें करते हैं आरसीएम की, आरसीएम के प्रोडक्ट्स की, है ना, नारी स्वावलंबन की, महिला स्वावलंबन, है ना, और अब सब अपने अपने पैरों पर खड़े हों, एक्स्ट्रा इनकम लें, ये सारी चीजें हैं। लेकिन एक चीज हमें बहुत अच्छे से इस बिजनेस में समझनी है, बिजनेस तो नहीं बोलेंगे, टीसी सर ने अभियान बोला हुआ है, तो आरसीएम अभियान की आदत जो है वो धीरे धीरे हमें, और अभियान एक ऐसी चीज है, देखिए बिजनेस तो रोजाना अदलते बदलते रहते हैं। आज कोई कपड़े का बिजनेस कर रहा है, कल कोई टायर का कर लेगा, परसों कोई कंप्यूटर का कर लेगा, अगले दिन कोई सोलर का कर लेगा, तो बिजनेस बदलते रहते हैं, तो समय के हिसाब से चेंज होती रहती है। लेकिन अभियान एक ऐसी चीज है जो आदमी जब पकड़ता है तो मरते दम तक वो अभियान का हिस्सा होता है, वो छूटता नहीं है। बस थोड़ा दोनों शब्दों में जो है इतना सा फर्क है, मैं ले लूंगा बेटा, है बिल्कुल ना, तो दोनों शब्दों में सिर्फ इतना सा फर्क है। तो अभियान जो है एक बहुत ही पावरफुल वर्ड है। तो आप सभी बहनें जिस अभियान, जो भी अभियान आपके दिमाग में है इस बिजनेस को लेके, कि मेरे को इस बिजनेस से जो है वो ये हासिल करना है ना, पैसिव इनकम लेनी है, रॉयल्टी लेनी है, मेरे परिवार को स्वस्थ रखना है, या पूरे देश में पहचान बनानी है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, जो भी है, तो ये इसको अभियान मान के चलेंगे तो एक उद्देश्य रहेगा दिमाग में, और उद्देश्य जब ब्रेन में होता है तो ये कभी भी थकान नहीं आने देता। बस फर्क इतना है, अगर हमारे जीवन में अभियान है तो थकान नहीं आएगी, लेकिन बिजनेस मान के करेंगे तो थकान आने की संभावना बनी रहती है। इसलिए इस अभियान के अंदर थोड़ी सी क्लैरिटी और होनी चाहिए। प्रोडक्ट्स हम बाजार में बहुत सारे देखते हैं, आरसी में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आरसी के प्रोडक्ट क्यों लें और पैसा कहाँ से आएगा? तो सीधी सी बात है, मेरे परिवार को स्वस्थ रखने के लिए आरसीएम के सामान मेरे घर में आएंगे, तो उद्देश्य क्या है? परिवार की सुरक्षा, स्वास्थ्य। अगर ये उद्देश्य मेरा क्लियर है तो पहले मेरे घर में सामान आएंगे, सामान के पीछे पैसा आएगा, सामान से पहले कभी नहीं आएगा। जो भी पैसा है वो सामान के पीछे पीछे है, स्वास्थ्य भी सामानों के प्रोडक्ट्स के पीछे पीछे है, तो ये सब उसके पीछे चल रहे हैं, ये इसके आगे कभी नहीं चलेंगे। तो इसलिए पूरा का पूरा जो निगाह है वो सामान पे होनी चाहिए। अब सामान पे जब हम निगाह डालते हैं तो भाई मैं आरसीएम के सामान क्यों लूं? तो हमें ये बारीकी से देखना होगा कि बाजार की व्यवस्था में जिस तरीके से काम हो रहा है, कितना खतरनाक खेल है। तो उन चीजों को बारीकी से जब तक पकड़ेंगे नहीं ना, तो भीतर से आवाज नहीं आएगी, और जब तक आवाज नहीं आती ना, तो लोग आपस में कंपैरिजन करते रहते हैं, वहां पर 5 रुपए का मिल रहा है, इधर 3 रुपए का मिल रहा है, हम तो इसको 100 रुपए का ले आएंगे, हम तो, मतलब वो रेट के ऊपर नीचे, वो क्वालिटी की बात नहीं करते, वो रेट पे अटके रहते हैं। तो हमें अटकना है क्वालिटी के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर अटकना वहां पर है, क्योंकि वो अभियान का हिस्सा है। तो देश में क्या हो रहा है, एक छोटी सी क्लिप मैं आज आपको, अगले 5-7 मिनट की एक क्लिप है, ये बड़ी मेहनत से तैयार की है मैंने, उस क्लिप को आप बड़े ध्यान से देखना। ये मतलब आज के देश में आज जो हो रहा ना, उसका ये बिल्कुल एकदम सच्चाई है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी आरएनडी की मैंने, बहुत सारी चीजें चेक की है। बड़े बड़े गुजरात के पास में ये सांचौर और भीनमाल, इस एरिया में 100 किलोमीटर में अनार उगते हैं,
हमारे आरसीएम के एक डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनसे मैंने बोला मेरी गाड़ी में कुछ अनार रख दीजिए, है ना, जयपुर में जाके मैडम को खरीदने पड़ते हैं फ्रूट्स वगैरह। तो उसने बोला सर आपको एक भी अनार नहीं देंगे। मैं कहा क्यों? बोल रहा इस एरिया से 7 अरब का अनार एक्सपोर्ट होता है, लेकिन हम नहीं खाते और ना अपने रिश्तेदारों को देते, क्योंकि हमें मालूम है इसमें कितना खतरनाक जहर है। चाहे केला हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे पनीर हो, चाहे दूध हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब मिलावटखोरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ। इतना खतरनाक केला, जयपुर में सरकारी डेयरी तो देती 500 रुपए किलो का पनीर, 480 रुपए है जयपुर में। आपके यहाँ महाराष्ट्र में देखोगे, गुजरात में देखोगे, यूपी में देखोगे, जो भी सरकारी डेयरी है उसके आसपास मिलेगा आपको 10-5 रुपए ऊपर नीचे। घर में बनाओगे तो 100-150-200 रुपये आपको महंगा ही पड़ेगा पनीर, अगर आप कॉस्टिंग कैलकुलेट करना आता है तो। लेकिन बाजारों में, होटल में, जहां पर भी ये लोग बाग खाना खाने जाते हैं, पार्टियां मनाने जाते हैं, इन सभी जगह पे 75 से 100 रुपए, 100 में से 90 रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूं, 75 से 80-90 रुपए के बीच में 1 किलो का पनीर सप्लाई होता है। सवेरे सवेरे 4 बजे गुप्त अंधेरे में गाड़ियां भर भर के आती हैं, सारे होटलों के अंदर पनीर सप्लाई करके चली आती है। फिर हम दिन भर में मेहनत करके कमाते हैं और शाम को मरने के लिए वो गंदा खाना खाने के लिए होटलों में पार्टी करने चले जाते हैं। राइट, तो एक क्लिप दिखाता हूं मैं आपको, अगर ये शेयर हो जाएगा स्क्रीन मेरा तो। हाँ चलिए हो जाएगा। तो इस क्लिप को जो है ये, इसको आप बड़े ध्यान से देखना और आप मंथन करना। सभी बहनों को मैं दिखा रहा हूं, सिर्फ एक स्लाइड ही दिखाऊंगा मैं, ज्यादा बात नहीं करूंगा, और फिर हम बात करेंगे 2 मिनट के लिए गामा की। ये क्लिप देखिए बड़े ध्यान से आप। वो खराब होती है। अब ये चारों तरफ हो रहा है और ऐसी हजारों चीजें। आप आरसीएम हेल्थ गार्ड, आपको मेरे ख्याल से 170-180 रुपए 200 के अंदर अंदर मिल जाता है पूरे देश में, हर स्टेट के अंदर। बाजार में कोई भी तेल आप लेते हैं, सरसों का, तिल का, कपास का, है ना, इस किस्म के तेल आपको 130, 140, 150 रुपए किलो के आसपास बाजार में मिल जाते हैं। किसान से सस्ता भगवान परमात्मा खुदा भी नहीं दे सकता, किसान से सस्ती कीमत किसी की नहीं। किसान के खेत की जो कॉस्ट है 1 लीटर सरसों के तेल की करीबन 250 रुपए है। वो उसको बाजार में बेचने जाएगा, व्यापार करने जाएगा, तो 18% जीएसटी जोड़ेगा, 2-2% जो है वो होलसेल रिटेलर का जोड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का जोड़ेगा, अपना 10% मार्जिन जोड़ेगा। तो करीबन सरसों का तेल आता है शुद्ध तेल 400 रुपए से किलो कम नहीं होना चाहिए। तो 125 रुपए में क्या मिल रहा बाजार में? तो कभी किसी ने चिंतन किया है रात को बैठ के? और हम लोगों में, आम लोगों में कंपटीशन होता है कि वो 150 रुपए लेके आया, मैं तो 130 लेके आया, मैं तो एक तो क्या लेके आया, जहर लेके आए, कुत्ते का मूत लेके आए, गधे का पेशाब लेके आए, क्या लेके आए? मतलब किसी को टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और सब उसको नसीब मान के बैठे हैं। राइट, और ये यूं चले जा रहा है। बात मैं सिर्फ दो कर रहा हूं यहां पर, इन्होंने एक तेल का भी एग्जाम्पल दिया, फ्रूट्स का भी दुनिया भर के एग्जाम्पल है, अनार का एग्जाम्पल मैंने लाइव देखा हुआ है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तेल इसने देखा कि वो, एक तो पहले तो इसने बोला घटिया टार मिला हुआ तेल, 5 स्टार होटल में काम आया, वहां से काम लिया, काम किया, जो कढ़ाई में उबला हुआ तेल है बचा हुआ उसको वापस डब्बों पैक किया, उसके 4 स्टार होटल में, फिर 3 स्टार होटल में, फिर वो अगले जगह पे, फिर अगली जगह पे, और जिन जगहों पे हम खाना खाते हैं बाजार में वहां पर 5वां 7वां नंबर है। तो वो जिन होटलों में हम खाना खाते हैं, घटिया से घटिया और 20 रुपए किलो का तेल में, वो ये सारी ढपड़ी पपड़ी जो भी है, ये खोमचो फोमचो पे इस तेल का इस्तेमाल होता है। अब आप सोचो, भूख लगते ही जहां भी गर्म दिखा हम टूट पड़ते हैं उसके ऊपर और खा जाते हैं गधे की तरह। राइट, सो हमें अगर 100 साल जीना है तो इतना होश में रहना चाहिए कि मेरे मुंह के अंदर क्या डाल रहा हूं वो मेरे पेट के लिए, मेरे हाथों के लिए ठीक है क्या, मतलब मुद्दा ये है। तो आरसीएम के सामानों में कोई सोना चांदी नहीं है, लेकिन क्योंकि बिचौलिए नहीं है, सामान सीधा आ रहा है, तो वही सामान शरीर में जाने के बाद सोने चांदी जैसा काम करते हैं, मुद्दा इतना सा है। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है तो बस ध्यान ये रखना है कि हम इन चीजों को, यानी कि, और आदमी कब तक नहीं मानता, आदमी तब तक नहीं मानता जब तक, जैसे फोटो मैंने आपको पिछली बार भी मीटिंग में आया तब भी दिखाया था, बीच में एक दीवार है, नीचे एक छोटा सा छेद है, उसमें से कोबरा दूसरी तरफ चला गया, कोबरे की सिर्फ पूंछ थोड़ी सी दिखाई दे रही है, बिल्ली आती है और उस कोबरे की पूंछ को चूहा समझ के छेड़ती रहती है, छेड़ती रहती है। कब तक छेड़ती है? जब तक कोबरा वापस मुड़ के वापस नहीं आ जाए। हम भी 25-30 साल सुधरते नहीं है, अपनी आदतों को बदलते नहीं है, जब तक 25-30 साल में फेफड़े, लीवर, किडनी, फिडनी, ये जब तक फेल नहीं होते ना, या साइलेंट अटैक नहीं होता, तब तक हम नहीं मानते, जब तक वो कोबरा नहीं जाग जाता।
और ये जो चीजें हमने हमारे साथ जो घटित हुई हैं, और ये देखो देश के मंत्री का, केंद्रीय मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री है उसका बयान है ये, देश में 3 में से 2 बच्चे डिटर्जेंट वाला दूध पी रहे हैं। अब आप बोलोगे जी हमारे घर में तो यूं है और हमारे घर में तो यूं है, तो मुझे नहीं पता किसके घर में क्या है, लेकिन 3 में से 2 बच्चे आज पूरे देश में डिटर्जेंट वाला दूध पी रहे हैं। तो आप इस स्थिति से कैसे बच सकते हैं ये तो आपको सोचना है, इसको नसीब का खेल मान के नहीं बैठ सकते। तो जागृति तो मतलब बिल्कुल निहायत जरूरी है। तो सामानों को घर में आने दीजिए, और जो गामा है, गामा ओरिजिनल जो है, ये क्या करता है, ये पिछले 25-30 साल से चला आ रहा है, और ये तेल क्या मिलता है 125 रुपए का, 10 रुपए किलो का, गंदा गधा भी नहीं खाए उस तेल को, इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट होता है। तो सारे के सारे जितने भी ब्रांड के तेल हैं बाजार में ब्लेंडिंग करके पाम ऑयल बेचा जाता है, वो 10 रुपए के तेल को 125 रुपए में बेच रहे हैं सब लोग, 125-150 रुपए में बेच रहे हैं, और हम अलग अलग लेबल लगा के, किसी पे तोता छाप लिख दिया, किसी पे मैना छाप लिख दिया, किसी पे इंजन छाप लिख दिया, किसी पे कबूतर छाप लिख दिया, वो छाप लगा लगा के और उन्हें पैक कर करके बेचा जा रहा है, और हम उनको बिल्कुल बेवकूफों की तरह लेते जा रहे हैं, राइट। तो ये अवेयरनेस लोगों को देनी पड़ेगी, राइट। ये तो क्लिप है, कोई मूवी है, उसका मैंने बड़े काट पीट के जो है ये 5-7 मिनट का जो है ये आपके लिए जो है तैयार किया था, ताकि लोगों को इतना टाइम नहीं होता। तो इन सब चीजों को, तो पिछले 30 साल से जो ये गंदा तेल जो हमारे शरीर में गया है, जो ब्लॉकेज हुई है नसों में, वेन्स के अंदर जो ब्लॉकेज है, उसको खोलने के लिए जो सबसे बढ़िया, जापान के अंदर जो 125-100 125 लोगों साल के उम्र के लोग जो मिलते हैं, वो गामा ओरिजिनल की वजह से मिलते हैं। गामा ओरिजिनल हमारे पास है, तो गामा ओरिजिनल आपकी टेबल पे होना चाहिए। सुबह शाम खाना खाते हो तो अपना कैप्सूल लिया और खाने के साथ ले लिया, तो क्या करेगा, शरीर के अंदर जहां जहां ब्लॉकेज है उनको धीरे 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 खोल देगा। अब ये नहीं होता कि 1 महीने में खोल दिया सारा का सारा, तो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा लेगा। ऐसे समय जो है वो जो आजकल साइलेंट अटैक हो रहे, चलते चलते आदमी लुढ़क जाता है, उससे बचा लेगा। इससे पहले कि कोबरा फन ताण के हमारे सामने खड़ा हो जाए, उससे पहले हम सुधर जाए, उस कोबरे की पूंछ को छेड़ना बंद कर दे, नहीं तो कोबरे को तो आना ही आना है ना, और कोबरा कितना खतरनाक है, तो फिर हमारी जान ही लेके जाता है, अदरवाइज ये मानता नहीं है। तो उस एंगल से आप देखें, और उसी एंगल से हम जो है आरसीएम के सामानों को, अब ये सामान आते हैं तो कुछ पैसा भी आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है, पहले 500 आएगा, 800 आएगा, धीरे धीरे। कामले मैडम बोला अभी एमराल्ड है, बहुत सारी आप में से टेक्निकल, बहुत सारी बहनें आप में से उल्टी हैं। अब ये जितना भी पैसा आ रहा है, इसको हाथों हाथ बचा के उसको निवेश पे लगाइए, उससे काम पे करवाइए, अगले 25 साल में आपके पास दुनिया में पैसे कमाए, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर चुका होगा, ये दुनिया के सबसे बड़े लोगों ने बोला हुआ, और हमने पिछले 25 साल में यही किया है। 24-25 साल में हमने आरसीएम से जितनी भी इनकम आई है, मेरा जो आरसीएम में आने से पहले जो काम था उसी काम से मैंने घर चलाया। आरसीएम मेरा पार्ट टाइम सैटरडे संडे या शाम के 6 बजे के बाद ये बिजनेस है। यहां से जो इनकम आई है वो पिछले 25 साल में एक भी पैसा मैंने आरसीएम का खर्च नहीं किया। आज करोड़ों रुपए की इनकम मेरी उस वजह से, जो पैसा आरसीएम से आया और मैंने आगे काम पे लगाया, राइट। तो एक स्थिति जाके बनती है, हेल्थ मिल गई, तो हेल्थ का बाई प्रोडक्ट है, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में जो आपके पास प्रोडक्ट आ रहे हैं आरसीएम के, इनके अंदर से ही हेल्थ निकलेगी और इन्हीं के अंदर से ही पैसा निकलेगा, निकालने वाला चाहिए। अब हम सोचें कि एक नमक की थैली ले ली, एक चाय की थैली ले ली, एक जो है वो तेल की थैली ले ली, और मेरे पास रॉयल्टी आ जाए, ऐसा नहीं होता, राइट। तो इस आर्ट को पकड़ना पड़ता है, राइट। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि मिशन हेल्थ को पकड़िए, हेल्थ के पीछे पीछे ही वेल्थ चल के आएगी। उद्देश्य अगर अच्छा है तो चीजें अपने आप घटित होंगी, और ये इस काम में बहनों से अच्छा कोई दूसरा धरती पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि 95% प्रोडक्ट घर में जो आएंगे वो बहनों के हाथों से ही होके आएंगे, रसोई तक जाएंगे। तो बहनों से अच्छा काम इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता इस मुद्दे के ऊपर। तो यही मेरी आपसे गुजारिश है, इस टॉपिक को आप समझिए, अपनी जेठानी, ननन, सासू जी, इधर आजू बाजू जितने भी लोग हैं, गपशप में इन चीजों को आप इंक्लूड कीजिए, और जैसे बाकी पूरे देश में महिलाएं आगे से आगे बढ़ती जा रही हैं, एक दूसरे के लिए प्रेरणा का कारण बनती जा रही हैं। गांव शहर में अगर एक बेटी आईएएस बनती है या कोई कलेक्टर बनती है या पुलिस अधिकारी बनती है, वो तो 10-15-20 बेटियों के रास्ते खोल देती है। आरसीएम बिजनेस में भी अपरिजिता जो हमारे बीच में बहनें बैठी हैं, ये एक बहन रोल्टी पे आती है, टेक्निकल पे आती है, और पता नहीं कितनी और बहनों के लिए प्रेरणा का कारण बनती है। आप इस चीज को पकड़िए।
तो इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप सब लोगों के ऊपर।